Hello students, this is the video of class 7th science and this is the revisional video and इस video में हम chapter 11 revise करेंगे and you know that the name of the chapter is how do plants reproduce. So let's get started. First of all we'll talk about what is reproduction. So reproduction is the process of producing young ones from their parents. Reproduction एक characteristic feature है living organism का. कोई भी living organism अपने ही जैसा, ठीक अपने ही जैसा new organisms produce करता है और इसी process को हम reproduction कहते हैं. Reproduction जो है वो basically आप यहाँ पर three types में पढ़ेंगे, asexual reproduction, vegetative reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction क्या होता है, जिसमें single parent involved होते हैं और simple division of a plant body into two or more parts of formation of spores. इसमें simply एक ही parent के involvement से जो है वो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाता है. और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं जैसे रूट, स्टेम एंड लीफ, दे टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है जिससे जाइगोट बनता है और फिर उससे एम्ब्रियो और वो एम्ब्रियो सीड के अंदर पाया जाता है और जब सीड जर्मिनेट करता है तो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और ये कई टाइप के होते हैं. पहला हम पढ़ेंगे बडिंग. बडिंग में एक स्मॉल बल्ब लाइक आउट ग्रोथ क्रिएट होती है जिसको हम बड कहते हैं. और वो कहाँ से बड बनेगा, पेरेंट सेल से बनेगा और दैट बड विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद वो बड अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बनाएगा. ऐसा आप देख सकते हैं ईस्ट में. ठीक है, ईस्ट जैसे ये ईस्ट सेल है और इसमें आप देख सकते हैं स्मॉल बर्ड इज डेवलपिंग और ये धीरे धीरे ये बर्ड डेवलप हो रही है और फिर ये बर्ड डिटैच हो जा रही है पेरेंट बॉडी से. ओके, फ्रैगमेंटेशन इज अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी ब्रेक डाउन हो जाती है इंटू टू और मोर पीसेस और उन पीसेस को हम बोलते हैं फ्रैगमेंट्स. एंड फ्रैगमेंट्स जो पीसेस टूट कर बनते हैं पेरेंट बॉडी से वो एक इंडिपेंडेंट न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा कि आप एल्गी में देखते हैं स्पायरोगायरा एंड फ्यूकस. ये स्पायरोगायरा, ये फिलामेंटस इसकी बॉडी होती है और ये कई पीसेस में टूट जाती है, फिर ये अलग अलग पीसेस अलग अलग कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल या मल्टी सेल्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है और उस स्ट्रक्चर को हम स्पोर बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्पोर. और ये स्पोर बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं और ये जब इन ये स्पोर्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये ग्रो करके नया प्लांट बनाते हैं, जैसा कि एग्जांपल है फर्न एंड मॉसेस. नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. प्लांट्स के जो रूट, स्टेम और लीफ पार्ट होते हैं उनको हम वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं और जब इन सारे पार्ट से कोई नया प्लांट प्रोड्यूस होता है तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज़ नेचुरल मेथड एंड सेकेंड इज़ आर्टिफिशियल मेथड. नेचुरल मेथड में प्लांट्स रूट, स्टेम
की हेल्प से, लीव्स की हेल्प से नेचुरली नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। आर्टिफिशियल में हम ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इट इज़ डन बाय द ह्यूमन। रूट्स की अगर हम बात करें तो यू कैन सी द मॉडिफिकेशन इन द रूट्स, बाय दीज मॉडिफाइड रूट्स द प्लांट डेवलप इन टू डेवलप द न्यू प्लांट्स, द न्यू ऑफस्प्रिंग। जैसे ट्यूबरस रूट होती है डहेलिया में, स्वीट पोटैटो में, एस्पैरेगस में, ठीक है। यू कैन सी दिस इज़ द डहेलिया फ्लावर और इसकी ये रूट है और ये स्वीट पोटैटो है और ये एस्पैरेगस। ये रूट्स के मॉडिफिकेशन है और ये जो मॉडिफाइड रूट हैं वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। स्टेम में आप देखेंगे मोस्ट कॉमन फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्टेम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं और बहुत सारे पौधे स्टेम्स के थ्रू नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ स्टेम्स जो होते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल स्टेम प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं रनर, जैसा कि ये ऑक्सालिस और ग्रास में होता है, क्राइसेंथेमम एंड मिंट में, वैलिसनेरिया में होता है। और कुछ पौधे जो स्टेम बनाते हैं वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं वो स्टेम, और ऐसे स्टेम कई सारे मॉडिफाइड फॉर्म में आते हैं जैसे राइजोम, बल्ब, ट्यूबर, कॉम एट्सेट्रा। यहाँ पर आप रनर को देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टेम होते हैं जो उनकी नोड्स पर रूट्स प्रोड्यूस होती है और शूट प्रोड्यूस होती है और फिर ये नए प्लांट बना लेते हैं। इसी तरीके से क्राइसेंथेमम और मिंट में भी रनर्स प्रोड्यूस होते हैं और रनर्स के थ्रू नए प्लांट्स बन जाते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में आप राइजोम देख सकते हैं, राइजोम जैसे कि जिंजर, टर्मरिक और बनाना, इन सब में आपको ये जिंजर आप खाते हो वो एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है, टर्मरिक भी अंडरग्राउंड स्टेम होती है। और ये क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है जिसको हम राइजोम बोलते हैं और इनमें से नए पौधे निकल सकते हैं। बल्ब्स आप देखते हैं ऑनियन में, गार्लिक में, तो ये भी क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है और जो कि नए प्लांट को प्रोड्यूस करता है। ट्यूबर्स आपने देखे होंगे आलू, तो ये जो आलू हैं ये इनमें आपने ये आलू भी जो क्या है मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। और आलू में आप इसको आपको ऐसे आईज दिखाई पड़ती हैं और आई से आप यू कैन सी हियर छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये भी मॉडिफाइड स्टेम है। और कॉम्स जो होते हैं, लॉट्स ऑफ राइजोम ज्वाइन विच डेवलप इंटू अ न्यू प्लांट, जैसे ग्लैडियोलस में ये ग्लैडियोलस का फ्लावर है और उसके नीचे आप देखिए जड़ में एक हार्ड स्टेम है, वुडी स्टेम है और इसी को हम कॉम्स मिलते हैं और ये कॉम्स नए प्लांट में डेवलप हो सकता है। लीव्स के थ्रू भी प्लांट्स, कुछ प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं जैसे कि ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम के मार्जिन पर छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकलने लगते हैं और ये देखिए ये ब्रायोफिलम है और इसकी मार्जिन पर ये छोटे छोटे बर्ड्स पौधे निकल रहे हैं और इनमें रूट्स निकलेगी और ये क्या होंगे, थोड़े दिनों के बाद ये अपने पेरेंट लीफ से डिटैच हो जाएंगे और इंडिविजुअली प्लांट डेवलप करेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो पहला है कटिंग। कटिंग में हम क्या करते हैं, पेरेंट प्लांट की कोई स्टेम कट करके नई जगह पे लगा देते हैं और वो एक कंप्लीट नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि हम रोज़ और हिबिस्कस में ऐसा करते हैं। ग्राफ्टिंग में हम दो पौधे लेते हैं, एक पौधे का एक स्टेम लेते हैं जिसको बोलते हैं सियोन, इट इज़ कॉल्ड अ सियोन, और एक पहले से रूटेड प्लांट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टॉक। उसी स्टॉक की एक मैच्योर स्टेम पर हम सियोन को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो न्यू स्टेम आपने इसमें ज्वाइन की है वो प्रीवियसली रूटेड प्लांट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगी और एक कंप्लीट पौधे में कन्वर्ट हो जाएगी। लेयरिंग भी एक आर्टिफिशियल मेथड है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम्स फ्लैक्सिबल होती हैं उसको हम बेंड डाउन करके ज़मीन से टच कर देते हैं। तो ज़मीन से टच करने पे क्या होते हैं कि जो नोड्स होते हैं स्टेम पर वहाँ से रूट्स वगैरह निकलकर एक नया पौधा बन जाता है। टिश्यू कल्चर में हम
प्लांट्स के टिश्यूज़ की हेल्प से हम एक नया पौधा जनरेट करते हैं। प्लांट के टिश्यू को हम एक आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं इनसाइड द लेबोरेटरी और उसको न्यूट्रिशन एंड हार्मोनल ट्रीटमेंट देकर नया पौधा बनाते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट कैसे बनेगा? न्यू प्लांट बनेगा बाय द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर की हेल्प से। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर निकलते हैं, तो फ्लावर्स ही क्या होते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। और इसी रिप्रोडक्टिव पार्ट में उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल गैमेट बनाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गैमेट बनाता है, ठीक है। इस बेसिस पर, प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पर प्लांट्स जो होते हैं, वो प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक बाईसेक्सुअल फ्लावर या कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाईसेक्सुअल फ्लावर यानी कि कंप्लीट फ्लावर में दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, मेल और फीमेल, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। इसका एग्जांपल है पपाया एंड कॉर्ड। बाईसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है हिबिस्कस या फिर सिट्रस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेमन है, और स्टेमन जो होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ओके। और ये इसलिए ये मेल फ्लावर होगा, और दिस इज़ द फीमेल फ्लावर क्योंकि इसमें ओवरी है और स्टाइल एंड स्टिग्मा। दिस इज़ कॉल्ड कार्पेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कार्पेल कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टेमन। तो इस फ्लावर में सिर्फ स्टेमन है तो ये मेल फ्लावर हो गया, और इस फ्लावर में फीमेल फ्लावर हो गया क्योंकि इस फ्लावर में कार्पेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेमन मेल ऑर्गन होता है, इसमें एंथर होता है और फिलामेंट होता है, ठीक है। एंथर के अंदर पॉलन सैक्स होते हैं और इन पॉलन सैक्स के अंदर मेल गैमेट बनता है। फीमेल ऑर्गन को हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, और इनमें तीन पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट बनता है। यू कैन सी हियर दीज आर द ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी, और इसी ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं। जब प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं, वो फ्लावरिंग करते हैं, तो ये जो मेल गैमेट है वो पॉलिनेशन के थ्रू फीमेल गैमेट तक जाता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, क्योंकि जो मेल गैमेट है वो किसके अंदर होता है, पॉलन के अंदर होता है। तो पॉलन को ओव्यूल तक जाना पड़ता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। और सीड्स के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से जाइगोट बनता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और वो डॉर्मेंट यानी कि इनएक्टिव कंडीशन में पड़ा होता है। जब किसी भी सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मतलब सूटेबल टेम्परेचर, लाइट, एयर एंड वाटर, तब फिर उसमें जर्मिनेशन होता है और फिर एक बेबी और न्यू प्लांट निकलता है। पॉलिनेशन को अगर हम डिटेल में समझें तो पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन अगर ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा पर एक ही फ्लावर में तो हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, लेकिन अगर पॉलन ग्रेन एक फ्लावर जो कि किसी और प्लांट पे है और वो किसी दूसरे फ्लावर जो कि वो किसी दूसरे प्लांट पे है वहाँ तक पहुँचता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर कोई फ्लावर बाईसेक्सुअल फ्लावर है और उसमें भी वहीं उसी फ्लावर के स्टैमन से पॉलन जो है उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहा है तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन में दोनों प्लांट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हम आर्टिफिशियली भी पॉलिनेट कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन को कैरी करने के लिए नेचर में बहुत सारे एजेंट्स हैं, जैसे कि विंड। विंड ब्लोज अवे पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, जैसे कि वीट राइस और मेज़ में होता है। इसके लिए फ्लावर स्मॉल होते हैं, ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं, नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करते हैं। पॉलन ग्रेन बहुत हल्के होते हैं, लार्ज नंबर में बनते हैं। दूसरा है वाटर। पॉलन ग्रेन आर रिलीज इनटू द वाटर आर कैरीड आउट बाय वाटर करंट टू अदर फ्लावर, जैसे कि सी ग्रास एंड वेलेसनेरिया। जो प्लांट पानी में पाए जाते हैं वहाँ पर पानी के द्वारा ही क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट्स भी पॉलिनेशन के बहुत बड़े एजेंट्स होते हैं। जो इंसेक्ट्स प्लांट टू प्लांट विजिट करते हैं तो वो अपने साथ पॉलन ग्रेन को एक एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ले जाते हैं और पॉलिनेशन कंप्लीट करते हैं। ऐसे फ्लावर जिनमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो बहुत अच्छी स्मेल उनके अंदर होती है, ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें, और नेक्टर्स उसमें होते हैं, स्वीट जूस होते हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। पॉलन ग्रेन स्टिकी होते हैं। आफ्टर द पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। जब पॉलन जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, फीमेल ऑर्गन तक पहुंचता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द सक्सेसफुल पॉलिनेशन द स्टिग्मा सीक्रेट्स न्यूट्रिएंट्स। पॉलन ग्रेन अब्सॉर्ब दीज एंड स्टार्ट ग्रोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ थिन ट्यूब कॉल्ड पॉलन ट्यूब अंटिल इट रीचेस द ओव्यूल इनसाइड, देन रिलीजेस द मेल गैमेट इनटू द ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन होता है उसके बाद। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी एनलार्जेस टू फॉर्म द फ्रूट, द वॉल ऑफ द ओवरी बिकम्स फ्रूट वॉल, द ओव्यूल्स बिकम सीड्स, अ फ्रूट में है वन और मोर सीड्स। पेटल सेपल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर यूजली ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। द फ्रूट इज द सीड बियरिंग पार्ट और द राइपेंड ओवरी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। द सीड इज द राइपेंड ओव्यूल विच कंटेन्स एन एम्ब्रियो एंड इज अ कवर्ड बाई प्रोटेक्टिव कोट। फ्रूट क्या है, सीड बियरिंग पार्ट है प्लांट का, या आप कह सकते हैं राइपेंड ओवरी है। ओवरी ही क्या होती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। सीड क्या है, राइपेंड ओव्यूल है, जो ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर वही सीड में कन्वर्ट होता है। उसी सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव कोट में कवर्ड हो जाता है। द प्रोसेस बाय विच द एम्ब्रियो इन द सीड बिकम्स एक्टिव एंड बिगिन्स टू ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। सीड डिस्पर्सल, द प्रोसेस बाय विच सीड्स और फ्रूट्स आर स्कैटर्ड इज कॉल्ड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय सेवरल मैकेनिज्म। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, जैसे कि पी प्लांट कैस्टर बालसम में होता है। डिस्पर्सल बाय विंड, जैसे कि डैंडलियन ड्रमस्टिक एंड मैपल में होता है। एंड डिस्पर्सल बाय वाटर, जैसे कि कोकोनट होता है, कोकोनट पानी के आसपास पाया जाता है नदी के पास, तो कोकोनट नदी में गिर जाता है और फिर बहकर दूसरी जगह पर पहुँच जाता है। डिस्पर्सल बाय एनिमल, प्लांट्स हैविंग फ्लेशी फ्रूट तो एनिमल्स उसको खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। डिस्पर्सल का क्या पर्पस होता है, क्यों होता है डिस्पर्सल, क्योंकि इससे क्या होता है कि प्लांट्स का वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनके बीच ओवरक्राउडिंग नहीं होती है, कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, और दैट्स हाउ द प्लांट्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।